गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग दो थ्योरम कवर करेंगे, सेमेस्टर 6 का पेपर 14। तो हमारा पहला थ्योरम है, इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन प्रूव दैट आर एक्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग। और हमारा दूसरा थ्योरम है, पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल ओवर ए रिंग। ठीक है, तो हमको पहला थ्योरम प्रूव करने के लिए फर्स्ट का प्रूफ, गिवन दैट आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन वी हैव टू प्रूव दैट Rx is also commutative ring with unity. ठीक है, तो let Fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot प्लस ए एन एक्स टू डी पावर एन, ये कोई फंक्शंस है, और जी एक्स दूसरा फंक्शन है, बी नॉट प्लस वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एम एक्स टू डी पावर एम, देन एफ एक्स डॉट जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए नॉट बी नॉट प्लस एक्स इंटू ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक आगे जाते रहेगा वो। ठीक है, अब इसको लिखता हूँ बी नॉट ए नॉट, इसको लिख सकता हूँ उल्टा करके, लिख सकता हूँ प्लस एक्स जो बाहर है एक्स लिख सकता हूँ, और ये जो है उसको उल्टा कर दूंगा, क्या होगा बी नॉट ए वन प्लस ए नॉट बी वन प्लस डॉट 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 डॉट। तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ ए की जगह बी है वहाँ बी की जगह पे ए आ गया, तो जहाँ एफ एक्स है जी एक्स है इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू क्या होगा जी एक्स डॉट एफ एक्स, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ यहां पे होल्ड कर गया अंडर मल्टीप्लीकेशन, सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन आर इन आर अंडर मल्टीप्लीकेशन। सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन आर अंडर मल्टीप्लीकेशन, देयर फॉर द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन आर एक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। यदि हमारा कम्यूटेटिव लॉ आर पे अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है तो आर एक्स में ऑलवेज करेगा, देन therefore commutative hold in Rx under in under मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज
इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ देन कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल इज वन प्लस जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट टर्म वन होता है उसके साथ अगला जोड़ सकते हैं तो होगा क्या हमारा ए इंटू वन प्लस ए वन डॉट वन इंटू एक्स ठीक है प्लस जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट ये वाला एफ एक्स मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ ठीक है तो ए टू इंटू वन डॉट एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे आप एफ एक्स इंटू वन कर सकते हैं ठीक है जो हमारा ये आया इसका वैल्यू कुछ नहीं तो इसको वन को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ वन ठीक है तो वन से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा ये बचेगा जो कि हमारा आया एफ एक्स ये हमारा एफ एक्स ही बच गया तो क्या होगा सो द पॉलीनोमियल वन प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज द यूनिट ऑफ आर एक्स इज द जो ये पॉलीनोमियल है वो आर एक्स का यूनिट टर्म है ठीक है तो हमको यही प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया तो हमने फ्रेंड्स थ्योरम वन प्रूव कर लिया अब हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम टू आप उतार लीजिए ठीक है और मैं इस थ्योरम को मिटा सकता हूँ आधा और इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ थ्योरम सेकंड सेकंड प्रूवमेंट है लेट आर बी ए रिंग विथ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन बी एन वेरिएबल बी एन ए वेरिएबल थ्योरम क्या था मेरा पॉलीनोमियल इन एन वेरिएबल ओवर ए रिंग आर तो मैं इसी को लिखा लेट आर बी ए रिंग विथ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन बी एन वेरिएबल लेट आर वन इजक्वल टू आर एक्स वन आर टू इजक्वल टू आर एक्स टू आर थ्री इजक्वल टू आर एक्स थ्री और डॉट 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 इधर जाते जाएगा आर एन इजक्वल टू आर एक्स एन तो ये आप लिख सकते हैं तो ये आपको लिखना था लेट आर बी एन वेरिएबल विथ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी एन वेरिएबल लेट आर वन इजक्वल टू आर एक्स वन आर टू इजक्वल आर एक्स टू आर थ्री इजक्वल आर एक्स थ्री डॉट 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 आर एक्स तो देन आर एन इज then Rn is called ring polynomial in n variable over a ring
ओवर ए रिंग एंड इफ, ओवर ए रिंग। तो ये हमारा दोनों थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो